हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम प्रेयर करेंगे एंजल जडगिल जी की, जो हमने कल उनके बारे में जाना था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल थेरेपी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप दूसरे एंजल्स के बारे में और उनकी प्रेयर्स, मेडिटेशन सब कर सकते हैं। तो चलिए हम आज अपने एंजल जडगिल जी की प्रेयर करते हैं। एंजल जडगिल जी, अपनी थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है? अपनी थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करें बंद आँखों से, और फिर उन्हें याद करें, उन्हें विजुअलाइज करें कि वो आपके थर्ड आई में हैं, ठीक है? उसके बाद हम उनसे प्रेयर करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो हम हमेशा ही रहते हैं, कभी हम स्कूल की पढ़ाई करते हैं, कभी कॉलेज की करते हैं, कभी लाइफ की करते हैं। खैर, लाइफ की तो बचपन से ही शुरू हो जाती है हमारी पढ़ाई, तो हम हमेशा ही स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, एक स्टूडेंट को पढ़ाई में मेमोरी की ज़रूरत है। हमें, या हम कहीं बचपन से लेके अभी तक, मतलब हर एज ग्रुप को शॉर्ट में, जो लेसन लाइफ सिखाती है वो हम ना भूलें, वो हमारी मेमोरी में रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक चीज़ से चोट खाते हैं, या एक अच्छा काम करने से कुछ अच्छी बात सीखते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर वही गलती करते हैं या वही दया फिर से करते हैं। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी गलत है, और ज़रूरत से ज़्यादा बेकार, यानी कि गलतियाँ करने वाला भी नहीं होना चाहिए। तो वो भी हमारे लिए एक लेसन है, लाइफ लेसन, ठीक है? तो आप स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, आपको जिस चीज़ में के लिए मेमोरी चाहिए, हम उसके लिए प्रेयर करेंगे। थैंक यू एंजल जडगिल जी, मेरी मेमोरी को बढ़ाने के लिए। मुझे सब याद किया हुआ याद रहता है आपकी कृपा से। हम लाइफ लेसन के लिए कैसे करेंगे? थैंक यू एंजल जडगिल जी, जो लेसन मुझे लाइफ सिखा रही है, मेरे अच्छे बिहेवियर से या मेरे बुरे बिहेवियर से, दोनों से, मैं उन लेसन्स को हमेशा याद रख रहा हूँ। दुखी नहीं हो रहा, लेकिन याद रख रहा हूँ, ठीक है? देखो, जो बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, उनको याद रखना मतलब कि हम उस चीज़ को रिपीट ना करें, इसलिए याद रखना, लेकिन दिल से नहीं लगाना। मतलब उसके जो इफ़ेक्ट हैं उन्हें भूल जाना, और जो उसमें अच्छा है कि हमें आगे वो गलती नहीं करने के लिए सतर्क करता, इतना याद रहे और बाकी सब भूल गए, ठीक है? ये चीज़ है। फिर हम अपनी जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं, जो जो पास्ट लाइफ से कलेक्ट की हुई हैं हमने, पास्ट लाइफ इन द सेंस इस जन्म का पीछे का भी से लेके, तो जो भी हमें पास्ट से जो अनवांटेड एनर्जी है, अनवांटेड मेमोरीज हैं, उन्हें डिलीट करने के लिए धन्यवाद, उन्हें ख़त्म करने के लिए धन्यवाद। और जो अच्छी मेमोरीज हैं उन्हें और ऊर्जा देने के लिए धन्यवाद। मतलब उन्हें हम और याद करें और ऊर्जा आती है हमें, ठीक है? मुझे हर कार्य के लिए मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। क्योंकि जो हम अच्छे कर्म करते हैं, उनकी ऊर्जा जब बढ़ती है तो वो हमें प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू एंजल जडगिल जी, मुझे माफ़ी जैसी एक अच्छी संस्कार देने के लिए, जिसकी वजह से मैं पुरानी बुरी चीज़ों से, अनवांटेड चीज़ों से, गलतियों से सीखने के बाद उनसे आज़ाद हो गई। क्योंकि गलतियों को भूल जाना, माफ़ कर देना, अपनी गलती या दूसरों की गलती, ठीक है, माफ़ तो करना ही है, लेकिन लेसन तो लेना है ना। क्योंकि वो हमारे साथ सब हो ही इसलिए रहा है कि हम लेसन्स लें, हम जीवन में आए ही इसलिए कि हम सीखें, अपनी गलतियों से सीखें, ठीक है? अब वो गलतियों से माफ़ी मिलने के बाद उनसे सीख ले ली है मैंने, ठीक है? अभी हम इसको इकट्ठा करेंगे, ठीक है? थैंक यू एंजल जडगिल जी, मुझे हर जगह पे सपोर्टिव नेचर दिलाने के लिए, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर दिलाने के लिए, सपोर्टिव बिहेवियर दिलाने के लिए। अब ये आपके ऊपर है, आप किस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप माइंड वर्कशॉप चलाते हैं तो मेरी माइंड वर्क पावर वर्कशॉप को सक्सेसफुल करने के लिए धन्यवाद। लीडरशिप में हैं आप तो उसके लिए मेरे लेक्चर्स को
थैंक यू एंजल जडकिल जी मेरे लेक्चर्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उनमें एक ग्रिप लाने के लिए, क्योंकि आपके लेक्चर में अगर ग्रिप हो गई तो सामने वाला बैठना, ग्रिप का मतलब पकड़ हो गई, होता है ना कभी कभी हम किसी को सुनते हैं उसकी एनर्जी इतनी होती है कि उसकी बात में भले हमें इंटरेस्ट हो नहीं हो लेकिन उसकी एनर्जी इतनी होती है कि वो हमें ना तो हटने देती है। किसी किसी की वीडियो को आप देख रहे हो ना, भले आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होगा लेकिन जो उसकी बोलने की एनर्जी है वो आपको ऐसा पकड़ के रखेगी कि आपको वो वीडियो बदलने नहीं देगी। और फिर जब आप उस लेक्चर को सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको उसमें समझ आता ही है। इफ़ेक्टिव ये होता है इफ़ेक्टिव, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, किसी के पर्सनालिटी से या किसी की बोलने के तरीके से या किसी की कनेक्शन होता है यूनिवर्स के साथ और उसका बोलने का अच्छा पकड़ आती है, तो हम उस टॉपिक को बिना इंटरेस्ट के भी सुन लेते हैं और फिर उसमें से कुछ बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, उन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट आता है। इस तरह से भी यूनिवर्स अपनी तरफ खींचता है, या और कोई भी चीज़ जो आप जिसके लिए आप आए हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ, शायद से कंफ्यूजिंग हो गया मुझे लग रहा है ऐसा। जैसे मान लीजिए कोई आप अपना लाइफ पर्पस लेकर आए हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो लाइफ पर्पस है वो है आपके लिए पूजा पाठ करना, मान लीजिए, और आप पूजा पाठ से तो बहुत दूर हैं लाइफ में, ठीक है। पूजा पाठ ले लें या गरीब बच्चों को पढ़ाना ले लें, गरीब बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है, फीस नहीं है, और किसी का लाइफ पर्पस कुछ भी हो सकता है कि गरीबों को खाना खिलाना। तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है वो पढ़ाई पे ध्यान देता है, कोई खाने पीने के लिए ध्यान देता है, कोई वो सुरक्षा की तरफ ध्यान देता है कि गरीबों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। किसी किसी को में को लाइफ पर्पस होता है दूसरों को मोटिवेट करना, खुद भले उस चीज़ के लिए वो मोटिवेट नहीं हो लेकिन दूसरों को वो मोटिवेट करे, ये भी हो जाता है कभी कभी। क्योंकि जो इंसान खुद एक चीज़ टॉपिक पे बोल रहा है, कभी कभी ऐसी एनर्जी भी अनबैलेंस हो जाती है कि वो उस टॉपिक पे खुद भी बैलेंस नहीं हो पाता है, ठीक है, लेकिन वो मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि हर टाइम की एनर्जी थोड़ी अलग होती है। तो जिस चीज़ के लिए आप आए हैं लेकिन आप उस चीज़ से मिल ही नहीं पाए हैं अभी तक, वो चीज़ आपसे कोसों दूर है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को गरीबी में मतलब जगह देना चाहते हैं, संरक्षण देना चाहते हैं कि उन लोगों को सुरक्षा मिले बारिश में, इसमें उसमें, ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, आपने देखा नहीं, आपके मन में उनके लिए दया भावना नहीं है, ठीक है। जब आपके मन में उनके लिए दया भावना ही नहीं है तो आप वो करेंगे कैसे, ठीक है। तो आपके सामने फिर कोई ऐसी टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी या ऐसा कुछ, कोई पर्सन, जैसे आप जनरली ट्रेन में खड़े हैं बातें कर रहे हैं तो कोई पर्सनालिटी इतनी ज़ोरदार आ जाएगी आपके सामने, ऐसा कुछ बोलेगी ज़बरदस्त, तो जो उसका बोलने का एनर्जी होगी, बोलने का तरीका होगा, बोलने का वो होगा, वो आपको मतलब उसकी उसके टॉपिक में नहीं उसमें इंटरेस्ट इतना करेगा कि आप उसको बोल रहे हैं, वो बोल रहा है जो, वो उसे मैं पूरा सुनूं, ठीक है, भले वो दिमाग में जा रही है या नहीं जा रही बात, सिर्फ आपके आईज़ उसको कैच कर रही हैं, आपका जो ईयर्स हैं वो कैच कर रहे हैं, माइंड आपका कैच नहीं कर रहा भले, तो भी जब आप वो सुनेंगे उसके ऊपर, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आपका उसके ऊपर ध्यान होगा, आई है आपकी उसके ऊपर है, थर्ड आई ऊपर है आपके, भले आपका दिमाग आपको लग रहा है कि नहीं है मैं उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात वो जाएगी और आपको कहीं ना कहीं फिर वो वाइब्रेशंस खींचेंगी, फिर आपको कुछ ऐसे लोग दिख जाएंगे रास्ते पे या आपको कुछ वीडियोस ऐसी गरीबी वाली दिख जाएंगी तो आप उस तरह मुड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों का लाइफ पाथ चेंज हुआ है, बहुत सारे लोगों का। अब मान लीजिए अब यहाँ हम पर्पस लेते हैं कि आपको इस लाइफ पाथ में गीता पढ़ना मिला है, कि आपको गीता पढ़नी ही है, लेकिन आप उसको रिलीजियस बुक समझ रहे हैं और आप उसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी टॉपिक आपके सामने ऐसा पर्सन ले आएगा कि आपको वो उसका बोलने का तरीका ऐसा होगा कि आपको वो सुनना पड़ेगा और फिर आपको लगेगा कि हाँ ये बात कहाँ से आई है, किस बुक में आई है, जब इस बुक की ये बात इतनी ज़ोरदार है तो इसमें तो कितनी बातें होंगी। तो इट मीन्स कि आपके जो लीडरशिप है, आपका जो बोलने का तरीका है, उसमें इतना अच्छा इफेक्ट डालते हैं, इतना अच्छा वो डालते हैं कि आपके सामने वाला सुनता है, सिर्फ उसको कैच करना। क्योंकि लीडरशिप का या स्टेज पे बोलने का पर्पस मेन क्या होता है कि जो ऑडियंस बैठी है वो सुने,
ठीक है, क्योंकि सुनने तो सब आते हैं लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं आता, तो वो बीच में उठ के चले जाते हैं। आपने पिक्चर की मूवी टिकट खरीद के भी ली होती है लेकिन आपको पिक्चर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आप 15 मिनट में 20 मिनट में कई लोग चले जाते हैं उठ के, कि भाई टाइम क्या वेस्ट करना 3 घंटे। तो इस चीज़ को पकड़ के रखना, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू एंजल माइकल जी, सॉरी एंजल जेडकिल जी, मेरे लीडरशिप में, मेरे बोलने में इतना इफेक्ट डालने के लिए कि लोग उसे सुने और समझे। मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर हो रही हैं दूसरों को, उससे क्लियर मैसेज जा रहा है। जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैं समझाना चाहती हूँ, मेरे वर्डिंग से वो सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्योंकि कई बार हम कुछ बोलते हैं तो हम बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन सामने वाले को मैसेज क्लियर नहीं होता, या हम सही वर्ड नहीं चुन पाते हैं, सही वर्डिंग नहीं चुन पाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको, और एक चीज़ और के लिए हम इनको धन्यवाद कर सकते हैं, थैंक यू एंजल जेडकिल जी, क्योंकि ये चीज़ भी हमारी मेमोरी से रिलेटेड है कि जो हम गलत काम करते हैं, ठीक है, लाइफ में जो हम मानते हैं कि हाँ हमने ये गलत कर दिया, ठीक है, ये भी हम मानते हैं कि अनजाने में हम कुछ कर गए हैं गलत, लेकिन जो काम हमने गलत किया है कई बार हम उसको गलत नहीं मानते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि मेरे को जो सही लगा मैंने किया, और हम ये भी बोलते हैं कई बार कि इससे किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो होता गलत है। ठीक है, अब इतने बड़े जो क्रिमिनल लोग हैं वो भी नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये इससे अगर हम किसी चीज़ को मानेंगे ही नहीं तो वो फॉरगिवनेस तो हम एक तरफ अनजाने में किए हुए की मान रहे हैं, लेकिन जो जानबूझ के किया हुआ उसकी फॉरगिवनेस तो मिल नहीं सकती ना आसानी से, तो उसके लिए हम यहाँ पर पश्चाताप करते हैं। फिर पश्चाताप, पश्चाताप में और फॉरगिवनेस में बहुत फ़र्क है। फॉरगिवनेस ऊपर से आता है या फिर थोड़ा सा अंदर से आता है, ये चीज़ थोड़ी सी सेल्फिश भी हो जाती है कि भाई हाँ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है इसलिए हम दूसरों से माफ़ी मांग रहे हैं अपने आप को आज़ाद करने के लिए। मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था कि फॉरगिवनेस जो हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं वो हमारे लिए होती है, हम दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे हैं उसके फ़ायदे के लिए, हम अपने लिए अपने आप को माफ़ कर रहे हैं या दूसरों को भी अपने लिए माफ़ कर रहे हैं कि ताकि हम उस चीज़ से आज़ाद हो सके। ठीक है, ये फॉरगिवनेस पे वैसे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन चीज़ों को स्वीकार करके, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उसके पश्चाताप करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि जो पश्चाताप होता है वो दिल और आत्मा से निकलता है। ठीक है, पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं और बाकी सब संसार सब छोड़ डाला है और दुख में पड़े हुए हैं। कभी भी किसी भी चीज़ में लाइफ नहीं रुकती है, और जो लोग, क्योंकि लाइफ डेज भी बढ़ रहे हैं, एज भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन जीना छोड़ देते हैं जो लोग, वो लाइफ को रोकते हैं। लाइफ तो नहीं रुकती है, लाइफ को रोकना भी नहीं है, भले वो पश्चाताप का टाइम हो, वो फॉरगिवनेस का टाइम हो, ग्रेटिट्यूड का टाइम हो, लाइफ को चलाना है। लेकिन जो टाइम आपको बचता है उस टाइम को अपने हीलिंग में लगाना, पश्चाताप एक किस्म की हीलिंग ही है। अब हम इसको समराइज करते हैं, और इसमें मैं थोड़ा सा एक मिनट और भी देना चाहती हूँ। ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जैसे कि कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो कई बार क्या होता है ना कि वो लोग क्या अटक जाते हैं किसी चीज़ पे, कि कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड उनको प्रोजेक्ट बनाना है या कुछ भी करना है, लेकिन उनको सब रिलेटेड पिक्चर्स नहीं मिल रही हैं, आर्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी कर सकते हैं वो। धन्यवाद एंजल, मुझे इस रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड सभी मटेरियल लाने के लिए, फ़ोटोज़, आर्टिकल्स और भी कई चीज़ें इस तरह से आपके सामने आ जाएंगी, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और देखिए, ये एक चीज़ जो लाइफ में अगर आपको अच्छे से याद आ जाती है कि मैं प्रभु का बच्चा, हमारी आत्मा के माता पिता तो शिव पार्वती ही हैं। ठीक है, यहाँ हम जन्म लेके आए हैं, यहाँ हमारे माता पिता हैं, और उनसे हमें पूरा प्रेम करना चाहिए, उनकी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके लिए जितना बन पड़े उतना करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसके माता पिता
शिव पार्वती हैं या आप जिसको भी मानते हैं, ठीक है, वो भी हमें याद आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है ना, ये हमें याद आएगा तो हम कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं, धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए कि मेरे असली माता पिता शिव पार्वती हैं, मैं उनका बच्चा हूँ, ठीक है। और ये हमारे हार्ट चक्र को भी हील करते हैं, तो थैंक यू मेरे हार्ट चक्र को हील करने के लिए। चलो अब हम इसको समराइज़ कर देते हैं, आज शायद लगता है वीडियो लंबी हो गई है हमारी। थैंक यू एंजल जेटकिल जी मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मैं प्रभु का बच्चा हूँ। धन्यवाद एंजल जेटकिल जी मुझे पुरानी बुरी यादों को भुलाने के लिए। धन्यवाद एंजल जेटकिल जी मुझे उन पुरानी बुरी यादों से माफ़ी मांगने और दिलाने के लिए। धन्यवाद एंजल जेटकिल जी मुझे पुरानी अच्छी मेमोरीज़ को संजो के रखने के लिए, उसको उसकी ऊर्जा को रोज़ बढ़ाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू एंजल जेटकिल जी उन पुरानी यादों से जो ऊर्जा बढ़ रही है उससे मुझे प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद एंजल जेटकिल जी मुझे सपोर्टिव नेचर दिलाने के लिए, हर जगह सपोर्टिव बिहेवियर दिलाने के लिए, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर दिलाने के लिए। धन्यवाद एंजल जेटकिल जी मुझे मेरी माइंड पावर वर्कशॉप को सक्सेस बनाने के लिए। मैं थैंक यू एंजल जेटकिल जी मेरे लीडरशिप वर्क को इफ़ेक्टिव और बढ़ाने के लिए, नेम फेम बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ लीडरशिप में नेम फेम बढ़ता है फिर, ठीक है। धन्यवाद एंजल जेटकिल जी मुझे मेरे द्वारा किए गए कुकर्मों या पापों या बुरे कर्मों को स्वीकार करने की शक्ति देने के लिए और उसे अंडू करने उसे उसके प्रभाव को कम करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। धन्यवाद एंजल जेटकिल जी मुझे मेरे प्रोजेक्ट रिलेटेड सभी कार्य देने के लिए, सभी मटेरियल दिलाने के लिए। अब अगर आपको कोई ट्यूशन कोई टीचर नहीं मिल रही अच्छी, तो वहाँ के भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके थैंक यू एवरीवन। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियोस को शेयर करें, थैंक यू।